दिल्ली सरकार की, देखो जब आदमी जीत जाता है ना, मेडल ले आता है, तो सारे कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है। असली समस्या तो तब होती है जीतने के वक्त, जो खेलने के वक्त जो संघर्ष कर रहा होता है खिलाड़ी मेडल जीतने के पहले, तब बहुत कम सरकारें हैं जब उसकी मदद करने के लिए आती है, जो भी सतपाल जी भी कह रहे थे। दिल्ली में हमने दो तीन किस्म की पॉलिसी बना रखी है। एक प्ले एंड प्रोग्रेस है, छोटे बच्चे 13-14 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर उनके अंदर हमें पोटेंशियल दिखाई देता है तो हम उनको साल के 2-3 लाख रुपए देते हैं कि भाई आप अपना हुनर, कोचिंग करनी है कोचिंग कर लो, खाने पीने पे खर्च कर लो। जैसे हमने सुना चाइना में और अन्य देशों में वो छोटे छोटे बचपन में पकड़ लेते हैं बच्चों को और तब से उनको तैयार करना चालू करते हैं खेल के लिए। अभी उस लेवल पे तो हम नहीं पहुंचे कि हम बच्चों को पकड़ लें, लेकिन बच्चों की मदद तो कर ही सकते हैं थोड़ा सा पैसा देके। तो वो हम प्ले एंड प्रोग्रेस पॉलिसी है जिसमें 13-14 साल से कम बच्चों को अगर उनमें हमें हुनर दिखाई देता है कि ये बच्चा बड़ा होके इस खेल में कुछ कर सकता है, तो उसे साल के 2-3 लाख रुपए हम देते हैं और वो एक बोर्ड है वो तय करता है उस बच्चे का, वो एग्जामिनेशन करके। फिर मिशन एक्सीलेंस है, मिशन एक्सीलेंस में आप भी थे नहीं, अच्छा मिशन एक्सीलेंस है जिसमें जो नेशनल लेवल पे खिलाड़ी होते हैं, नेशनल लेवल पे अगर कोई मेडल ले आता है तो उसको तैयारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे फिर और अपना वो सुधारने के लिए 16 लाख रुपए उसको साल के दिए जाते हैं ताकि वो अपनी कोचिंग कर सके, अंतर्राष्ट्रीय कोच रखना है वो रख सके, तो 16 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो गांव देहात में जब भी जाता था एक सबसे बड़ी डिमांड होती थी, जी सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे गांव देहात से निकलते हैं, लेकिन गांव देहात में खेलने की सुविधा बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, एक तो ये बवाना स्टेडियम जो है इसको पूरा चमका दिया गया, आप लोगों ने देखा होगा 16 करोड़ रुपए इस बवाना स्टेडियम को रिनोवेशन करने के लिए खर्च किए गए हैं। नजफगढ़ में नया स्टेडियम, नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया है। केर में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया है। मुंडेला में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया है। पूटकला में सिंथेटिक ट्रैक बन के तैयार हो गया है। प्रहलादपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया है। कटेवड़ा में सैंक्शन हो गया और बहुत जल्दी बन जाएगा। मित्राओं गांव में, झड़ोदा में, समसपुर में, इन सब जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर मात्र 7 साल के अंदर किसी सरकार ने, मैं नहीं समझता कि गांव देहात के अंदर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कभी काम किया होगा। और अभी और भी बहुत सारी प्लानिंग है आपके गांव देहात में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए।